हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूटलेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भिलाई स्टील प्लांट सेल ओसीटी ट्रेनिंग मैकेनिकल का जो एग्जाम हुआ था 24 मार्च 2019 का, उसका पेपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ और मैं कोशिश करूँगा जितने सारे ऑप्शन हैं, चारों के चारों ऑप्शन या उसके आसपास के उस टॉपिक से जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया उसके आसपास के हर चीज़ बताने का मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने सारे क्वेश्चन हैं ये मेरे स्टूडेंट जो डिस्कस किए हैं उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन बनाया हूँ। सेल ओसीटी भिलाई का क्वेश्चन पेपर इस साल मिला नहीं था और पहले भी नहीं मिलता था, तो ये जो स्टूडेंट क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस किए हैं उसी के ऊपर मैं ये क्वेश्चन बनाया हूँ, जो कि कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा। और जो लोग अभी एग्जाम दिए होंगे सेल ओसीटी भिलाई का मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो उनको पता चल जाएगा कि ऑप्शन किसका क्या है और जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो और ये आगे का एग्जाम जो भी सेल का एग्जाम देंगे, आगे जो बचा हुआ है जैसे बोनपुर है, बोकारो है या फिर आने वाला दुर्गापुर स्टील प्लांट का, तो ये सब आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, इस टाइप से एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है बट आपको समझ रहा होगा किस टाइप से क्वेश्चन था। तो इसका आंसर होता है बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। तो जहां बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है वहां पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर होता है, तो राइट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ कैंटिलेवर बीम। तो कैंटिलेवर बीम ये नहीं बताया कि सिंपल बीम है या फिर यूडियल है। देखिए, अगर कैंटिलेवर बीम ऐसे रहा तो इसका बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम होता है वो इस टाइप से होता है कुछ, तो ये सॉरी, अगर ये यूडियल रहा तो ये यूडियल रहा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस टाइप से रहता है, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक कर्व। ठीक है, अगर कैंटिलेवर ऐसे रहा तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है वो इस टाइप से होता है, ये कुछ होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड इंसुलेटर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉर्क। आपके ऑप्शन में वहाँ दिया रहेगा तो आप लोग जो एग्जाम दिए होंगे वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का क्रिटिकल रेडियस आरसी से डिनोट करते हैं, तो क्रिटिकल रेडियस हो जाएगा स्फीयर का 2K/H। ठीक है, ये जो के है वो थर्मल कंडक्टिविटी है और एच जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्फीयर की जगह सिलेंडर होता, सिलेंडर, तो इसका क्रिटिकल रेडियस होता यानी आर सी इक्वल टू होता K/H, तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शन टाइप का क्वेश्चन था, जो कि हीट एंड मास ट्रांसफर का है HMT का। इसके पहले भी जो क्वेश्चन दो बताया था इंसुलेटर का और ये क्रिटिकल रेडियस, ये भी हीट एंड मास ट्रांसफर HMT का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब HMT से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, मतलब 3-4 क्वेश्चन आए थे। तो फ्री कन्वेक्शन जो होता है उसका होगा ग्रेसेप्स नंबर। ठीक है, इसका ऑप्शन अगर इस टाइप से होगा तो ग्रेसेप्स नंबर होगा फ्री कन्वेक्शन का, और फोर्स कन्वेक्शन होगा तो उसका रेनॉल्ड्स नंबर भी होता है और फ्रेडेंटल नंबर भी होता है। ठीक है, तो आपका जो भी ऑप्शन होगा वहाँ पे जिस टाइप से क्वेश्चन होगा आप वहाँ से मैच कर सकते हैं, फिर अगले एग्जाम के लिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कि फ्री कन्वेक्शन में ग्रेसेप्स नंबर होता है और फोर्स कन्वेक्शन में रेनॉल्ड्स नंबर और फ्रेडेंटल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाई फॉर वायर ड्रॉइंग इज मेड फॉर, जो वायर ड्रॉइंग का डाई होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो होता है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बाइड।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कुछ इस टाइप से, एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, फॉर पैटर्न लिफ्टिंग, ओ जो मेटल कास्टिंग करते हैं उसमें पैटर्न जो बनाते हैं उसको लिफ्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसका क्या नाम है, तो वो है स्लीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये था सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का क्वेश्चन था, तो उसमें तो उसका ऑप्शन तीन चार था, चार ऑप्शन था, तो उसमें जो था नो कोर इज यूज, तो ये वाला ऑप्शन होगा कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में कोर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप मेरा वीडियो पहले से देखे होंगे या अभी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मेरे वीडियो से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं जो इस चैनल पे अपलोड है। तो ये क्वेश्चन देखिए, सोल्डरिंग हीट, ये भी क्वेश्चन जो है मेरे वीडियो में अपलोडेड है। तो इसका जो सोल्डरिंग हीट होता है, तो सोल्डरिंग जो होता है एक तो SN एंड PB होता है, लीड और टिन, ठीक है। तो उसमें लीड ऑप्शन में नहीं था, और दूसरा होता है टीन एंड कॉपर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉपर, उसमें कॉपर ही ऑप्शन था, तो आंसर हो जाएगा कॉपर, ठीक है। और ये दोनों ऑप्शन राइट है, इसके पहले भी मैं वीडियो में बताया हूँ जो SN एंड कॉपर बताया हूँ, तो बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं कि नहीं सर टीन और लीड SN एंड लीड होगा, PB होगा, तो दोनों राइट है। अब लीड की जगह कॉपर भी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ इस टाइप से था, बाइंडिंग मटेरियल ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का बाइंडिंग मटेरियल जो होता है या फिलर मटेरियल जो होता है उस ब्रेजिंग का, बाइंडिंग मटेरियल ऑफ फ्लक्स या फिर फिलर मटेरियल ऑफ ब्रेजिंग, तो उसको उसका राइट ऑप्शन है बुराक्स, ठीक है। ये भी मैं वीडियो में बताया हूँ, तो आप देखेंगे वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है RAC का क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन इन एयर कंडीशनिंग का, इन VAS हीट रिजेक्शन वेपर ऑब्जॉर्प्शन सिस्टम, वेपर ऑब्जॉर्प्शन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हीट रिजेक्शन जो होता है VAS सिस्टम में वो कहाँ होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है कंडेंसर एंड ऑब्जर्वर, और वेपर कंप्रेसर साइकिल VCS अगर होता तो इसमें हीट रिजेक्शन जो होता है कंडेंसर, सिर्फ कंडेंसर में होता है, कंडेंसर ओनली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी RAC का ही क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का, अमोनिया गैस लीकेज डिटेक्टेड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सल्फर स्टिक से अमोनिया गैस का लीकेज जो होता है वो डिटेक्ट होता है, और लिटमस पेपर से भी होता है, लिटमस पेपर से भी डिटेक्ट कर सकते हैं अमोनिया गैस का लीकेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी RAC का ही क्वेश्चन है, कंप्रेसर यूज फॉर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज, तो जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसमें किस टाइप का कंप्रेसर यूज होता है, तो उसमें होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विथ हर्मेटिकली सील टाइप कंप्रेसर जो होता है वो यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर्च टेस्ट इज यूज इन, तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है IC इंजन का, ठीक है। तो मोर्च टेस्ट कहाँ होता है, यूज मल्टी सिलेंडर इंजन में, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आप लोग जो भी एग्जाम दिए होंगे वो मैच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल मिक्सचर ऑफ IC इंजन, तो ये क्वेश्चन था इस टाइप का, तो इसका ऑप्शन होगा 14.7:1, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये भी IC इंजन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप एक एक चीज नेक्स्ट एग्जाम के लिए यहाँ पे देखते जाइए कि HMT से भी क्वेश्चन आ रहा, IC इंजन से भी क्वेश्चन आ रहा, जहां जहां से क्वेश्चन आ रहा आप लोग अच्छे से देखते जाइए, और इस हिसाब से ही नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन करना, जब भी सेल OCT का एग्जाम देने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था HMT से ही, हीट एंड मास ट्रांसफर से, तो हीट एंड मास ट्रांसफर से काफी क्वेश्चन आया था, तो मतलब 4-5 क्वेश्चन आया था, तो काफी क्वेश्चन हो गया, पहले डिप्लोमा लेवल के एग्जाम में HMT से क्वेश्चन नहीं आता था। तो देखिए, इसमें पूछा था मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी, तो मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी जिसका जितना होता है वो पूरा मैं लिस्ट यहाँ पे लेकर आ गया हूँ,
ताकि सब कुछ आप याद कर सके, आगे एग्जाम में किसी का भी थर्मल कंडक्टिविटी पूछा जाए तो आप बता सकें। ठीक है, तो देखिए थर्मल कंडक्टिविटी एक एक देखते हैं। फिरॉन 12 जो होता है इसका थर्मल कंडक्टिविटी होता है 0.0083 वॉट पर मीटर केल्विन। इसका वॉट पर मीटर केल्विन थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट होता है। ठीक है, तो ये सबका सेम होगा यूनिट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इसका यूनिट भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो सबसे लोवेस्ट होता है। ठीक है, अब एयर का देख लीजिए 0.024। क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ से आता है एयर का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज। ठीक है, उसके बाद देखिए एस्बेस्टस का 0.2, वाटर का 0.6, ग्लास का 1.2, आइस का 2.25। सबका यूनिट सेम है वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, मरकरी का 8 है, स्टील का 15 to 35 है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके यहाँ से क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, एक तो यहाँ से क्वेश्चन मैं बता दिया, एयर का पूछते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, और यहाँ से पूछते हैं जैसे अल्मोनियम का 200 है थर्मल कंडक्टिविटी, कॉपर का है 385, सिल्वर का है 405, और डायमंड का सबसे ज़्यादा है 2300। तो ये हाईएस्ट है डायमंड का। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो आपका जो क्वेश्चन आया था सेल OCTT में, उसमें कॉपर और सिल्वर का ऑप्शन दिया हुआ था, तो राइट ऑप्शन सिल्वर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो सिल्वर का ही है यहाँ पे 405, और कॉपर का तो 385 ही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर 405, मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी है सिल्वर। ठीक है, एक इस टाइप से एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ऑल लिक्विड स्ट्रेच, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो पता होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सरफेस टेंशन। ठीक है, ये ऑप्शन में था, ये एफएम का क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का, और ये है बॉल पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये भी सरफेस टेंशन पे वर्क करता है बॉल पेन। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन दिया हुआ था, तो मैं पूरा लिस्ट लेकर यहाँ पे दे दिया हूँ कि आप लोग याद कर सके कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। और ये पहले मेरा वीडियो है फर्स्ट एंड सेकेंड थर्मोडाइनमिक्स का, उसमें सारा अच्छे से दिया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ देख सकते हैं, ये पहले से भी बताया हूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक एक एग्जाम्पल मैं वहाँ पे बताया हूँ, तो क्वेश्चन वहीं से आया है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है ये सब। ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक बॉलिंग, स्पेसिफिक इंथाल्पी एक्सेट्रा। देखिए ऑल स्पेसिफिक जो होता है, कोई भी स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक वॉल्यूम या स्पेसिफिक इंथाल्पी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इस टाइप से एक आप याद कर सकते हैं। अब देखिए वैसे ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो डिपेंड ऑन मास, ये मास पे डिपेंड करता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका एग्जांपल जो हो जाएगा वो जाएगा वॉल्यूम, इनर्जी, इंथाल्पी, हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा। तो आपका जो ऑप्शन में था इंटरनल एनर्जी था। ठीक है, सेल OCTT में इंटरनल एनर्जी पूछा गया था, तो एनर्जी यहाँ पे एग्जांपल में है एनर्जी, तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ था कि इसमें से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट वन, तो इंटरनल एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं था, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गैस कंस्टेंट, ये यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, तो ये थर्मोडाइनेमिक्स का क्वेश्चन है, थर्मोडाइनेमिक्स। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो IAS UPSC का जो एग्जाम होता है वो 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग देख भी सकते हैं, तो यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट R का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट R इक्वल टू यूनिवर्सल
गैस कांस्टेंट अपॉन मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर वेट, ठीक है। अब अलग अलग मेटल का जो होता है, मेटल या नॉन मेटल जो आइटम होता है एटम, तो उसका मोलिकुलर वेट अलग अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 2, ठीक है, मोलिकुलर वेट, और नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन होता है, एक एक में लिस्ट दे देता हूँ, 28। उसके बाद एयर का होता है 29, देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसका होता है 44, ठीक है। और यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट जो होता है ये वाला, इसका ये होता 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका गैस कंस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कंस्टेंट आर जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने ऑप्शन से जो वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा उससे मैच कर सकते हैं, जो लोग एग्जाम दिए होंगे, और जो एग्जाम नहीं दिए होंगे वो इस टाइप से चेक कर सकते हैं कि आर जब पूछा जाएगा गैस कंस्टेंट किसका ज़्यादा होता है या किसका कम होता है, तो ये देखिए कि मोलिकुलर वेट जो है ये सारे मोलिकुलर वेट हैं, तो ये मोलिकुलर वेट जिसका ज़्यादा होगा उसका आर क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। यहाँ मैं बता देता हूँ, मोलिकुलर वेट अगर ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, तो आर जो होगा वो डिक्रीज होगा। यहाँ से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन था, ये भी थर्मोडायनेमिक्स का है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 273.16 केल्विन होता है या और 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, और ये क्वेश्चन भी देखिए, ये क्वेश्चन भी मेरे वीडियो में है, आप देख सकते हैं, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये क्वेश्चन भी वीडियो में है, ठीक है। द टेपर रॉड ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर D1 एंड D2 अंडर द एक्सियल टेंसाइल लोड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 4PL अपॉन पाई D1 D2 इंटू ई। तो ये तो या तो एक्सियल टेंसाइल लोड है, ये तो PL भी हो सकता है या फिर WL भी हो सकता है, तो 4WL अपॉन पाई ई D1 D2 ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो जो भी ऑप्शन आपको होगा वहाँ पे वो आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में हमेशा आता ही है, इसके पहले भी मैं वीडियो बनाया था तो उसमें आपको बताया था, सम का वीडियो देख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये क्वेश्चन है, और वहाँ पे भी बताया था कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन था पॉइजन्स रेशो का, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है क्वेश्चन, और ये भी मेरे वीडियो में दिया हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, ठीक है। तो पॉइजन्स रेशो का क्वेश्चन था, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है कि किस टाइप का क्वेश्चन था, तो इसका फार्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन था। तो पॉइजन्स रेशो से रिलेटेड जो फार्मूला जो है वो दो फार्मूला है, वो आपको मैं बता देता हूँ, आप लोग ऑप्शन देख चेक कर सकते हैं। तो ई इक्वल टू होता है 2g1 प्लस म्यू, और जो म्यू होता है वो पॉइजन्स रेशो होता है, ठीक है। तो एक फार्मूला तो ये होता है, और सेकेंड फार्मूला होता है ई इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू। तो वहाँ पे ऑप्शन किस टाइप से था और क्या था मुझे क्लियर नहीं है, और जो मुझे स्टूडेंट बताया वो भी क्लियर नहीं है। तो इस टाइप से पॉइजन्स रेशो से रिलेटेड दो फार्मूला है, तो अगर इस फार्मूले से ऑप्शन अगर होगा तो आप लोग देख सकते हैं, ओके फ्रेंड। तो ये जितना क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड था, जो याद था और जो डिस्कस मेरे स्टूडेंट किए थे उस हिसाब से ये वीडियो बनाया था, तो इतना ही क्वेश्चन कलेक्ट कर पाया था, इसके आगे का क्वेश्चन नहीं है। अगर आपके पास इसके आगे का और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें,
और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स करें, और इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपने दोस्तों के बीच जो सेल OCT का प्रिपरेशन कर रहे हैं या RRB JEE या फिर SSC JEE लेवल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो उनके बीच ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।